नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने से पहले आज हम कुछ बेसिक टॉपिक सीखने जा रहे हैं। इसमें पहला है बहुपद के शून्यक और गुणांक। तो आइए आज हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यक कौन से होते हैं और गुणांक कौन से होते हैं। देखिए, हमारे पास एक बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके गुणन खंडन यदि हमने करना हो, हम पहले भी सीख चुके हैं, तो गुणन खंडन इसका आता है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में गुना करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यदि इन दोनों ब्रैकेटों को जीरो के बराबर रखा जाए तो x माइनस 2 बराबर होता है जीरो के एंड x माइनस 3 को बराबर रखा जीरो के। तो 2 इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके हो गया प्लस, 0 प्लस 2 हो गया 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे ही 3 इधर माइनस हो रहा था, उधर जाके हो गया प्लस, 0 प्लस 3 हो गया 3x बराबर 3। तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में को जब हमने हल किया, अभाज्य गुणन खंडन किया, इसका गुणन खंडन करने के बाद हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं 2 और 3। इन्हीं को इस बहुपद का शून्यक कहते हैं। इंग्लिश में इसको जीरोस कहते हैं। ध्यान से समझो दोबारा से, यदि बहुपद को हमने गुणन खंडन किया तो हमारे पास आया x माइनस 2 गुना x माइनस 3। इसको जब हमने हल किया जीरो के बराबर रखकर तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक आई x बराबर 2 और दूसरी आई x बराबर 3। तो ये 2 और ये 3 इन्हें कहा जाएगा इस बहुपद के शून्यक। हमने दो चीजें सीखनी थी, शून्यक और गुणांक। तो ये होते हैं शून्यक। और एक चीज और बता दूं, इन दोनों वैल्यूज का जब इस बहुपद में डालेंगे तो इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसीलिए इसे शून्य कहा जाता है। एक्स की जगह 2 लिखेंगे तो जीरो के बराबर आएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 10 माइनस 5 दूनी 10, 10 माइनस 10 जीरो। इसी प्रकार से यदि एक्स की जगह यहां 3 रखेंगे तब भी ये जीरो के ही बराबर आएगा। खैर, ये होते हैं शून्यक। अब हमें देखना है गुणांक। देखिए, हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर के साथ यदि कुछ भी नहीं लिखा होता तो लिखा होता है 1, इसलिए हमने 1 अपनी तरफ से लगा दिया। अब गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर जो भी चर है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर एक्स वाई, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, इनके साथ जो भी नंबर लिखा होता है, संख्या लिखी होती है, उसे कहा जाता है गुणांक। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर को छुपा लो, बाकी जो नंबर बच गया 1, तो एक्स 1x स्क्वायर का गुणांक है 1। इसी प्रकार से माइनस 5x माइनस 5x, इसका गुणांक क्या होगा? आप x को छुपा लो तो आपको क्या दिख रहा है? 5 नहीं बच्चों, बच्चे यहां गलती करते हैं, 5 दिख रहा, 5 नहीं दिख रहा बच्चों। देखो, x को छुपाया तो दिख क्या रहा है? माइनस 5। ये मैंने जानबूझ के यहां 5 लिखा था आपको समझाने के लिए, इसके साथ माइनस भी है, तो माइनस 5x का गुणांक होगा माइनस 5। इसी प्रकार से प्लस 6 ये अपने आप में गुणांक है क्योंकि इसके साथ कोई भी चर एक्स वाई जेड नहीं है, इसका गुणांक है 6। तो बच्चों, ये होते हैं शून्यक और गुणांक। बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों को एक बार शून्यक और गुणांक ही समझा दिए जाए। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए कि क्या है शून्यक। ये है शून्यक जिन्हें बहुपद में डालने से बहुपद की वैल्यू जीरो हो जाए, और गुणांक होते हैं एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड के साथ लिखी हुई संख्याएं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। नहीं समझ आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा। थैंक यू।